क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। भाभी की बात को गुल कर गए, क्यों दीजिए ना जवाब। शादी कर तो लूं पर किससे? अरे आपको तो कोई भी मिल जाएगी। तुम जैसी कोई मिली नहीं, इसलिए तो खवारी रह गए। वैसे भैया, जिस भी लड़के से आपकी शादी होगी ना, वो बहुत भाग्यवान होगी, बहुत खुश रहेगी वो। चाय। वैसे भाभी, जिसे हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहती। अच्छा जी, ऐसा? अरे नंदू क्या कर रही है, मैंने बोला ना बाहर जाके खेलने को। भैया माफ कीजिएगा, आप अंदर जाके हाथ धो लीजिए, और तुम इधर आओ। कोई बात। माधुरी, भैया के हाथ धुला देना जरा। कितनी बार बोला है ना बाहर जाके खेलो। आइए इधर हाथ धो लीजिए। अरे हाथ धोना तो एक बहाना था, दरअसल मुझे तुमसे अकेले में जो मिलना था। अरे एक छोटा सा तोहफा, वैसे पहन के दिखाओ इसको। नहीं नहीं भाभी देख लेंगी। पहन के दिखाओ ना। अपना मोबाइल नंबर दो मुझे, रात को कॉल करता हूँ। लगता है रवि का फोन होगा। इन्हें भी अभी फोन करना था। हाँ जी बोलिए। अरे तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हारे फोन किया। ये कोई वक्त है याद करने का? हमारी पूरी नींद खराब कर दी, अभी अभी आंख लगी थी। चलिए फोन रखिए। अरे इतना गुस्सा मत करो, थोड़ी देर बात कर लो ना। देखिए हमसे बात करके ना अपने पैसे ना गवाएं। आप शहर में पैसे कमाने गए हैं, गवाने नहीं। चलिए कल सवेरे बात करते हैं। चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं सुबह फोन करता हूँ। तुम कहीं जा रहे थे? अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? वो हमारे आंगन में ना धूप नहीं आती है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आके मिर्ची सुखा लूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आओ दोनों मिलके यहाँ पे सुखाते हैं मिर्ची। लो मैं पकड़ता हूँ। अरे रुको रुको, मैं लाता हूँ रुको। अच्छा तो फिर मैं घर चलती हूँ। अरे अच्छा सुनो, भाभी ने कहा है आज रात को तुम हमारे यहाँ पे खाने पर आना, आओगे ना? क्या बात है, नंदू और भाभी जी कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ गए सब? वो भाभी ना अखंड रामायण के पार्ट में गई हुई है, भोर तक लौटेंगी। तुमने? नहीं, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा घर पे रह के आराम कर लूं। तो
तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, भाभी कह के गई है घर पे आए अतिथि को बिना भोजन के लौटने मत देना। तो चलें फिर। हाँ नहीं, पहले अतिथि। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अतिथि का स्वागत करना तो अच्छे से आता है आपको। अरे मिर्ची, अरे पानी, अरे पानी, पानी चाहिए। अरे मेरी लिपस्टिक लगाती है। इस घर में ना हर किसी को बस मेरी ही चीजें इस्तेमाल करनी होती है। चोटी कहीं की, चल यहाँ से। माधुरी, ये छोटी सी बच्ची है, बच्चे से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे भाभी, मेरी इतनी महंगी लिपस्टिक खराब हो जाती तो क्या हुआ माधुरी, एक लिपस्टिक ही तो है। चल नंदू। ये क्या है? ये तो बड़ा प्यारा है। खरी चांदी का है। अच्छा, पर मैंने तो ये पहले कभी नहीं देखा। अरे भाभी, ये तो मुझे ना मेरी मौसी जी ने शादी के समय दिया था। अच्छा ठीक है फिर। नंदू तो फिर वहां बैठ गई, चल यहां से। एक बार तुमको समझा। चलो ना। अरे 3 महीने हो गए मेरे पति और देवर को शहर गए हुए। फोन किया था मैंने, साले ने फोन काट दिया। अरे तुम में से तो किसी को फिक्र ही नहीं है उस बंजर गिरी जमीन की। तेरी बच्ची तो बड़ी खूबसूरत है। ऐसे बच्चियों की ना शहर में बहुत डिमांड है। देख, अपने पति को कह देना अगर उसने वक्त पे पैसे नहीं चुकाए ना तो तेरी बेटी बाजार में बिक जाएगी। अगर मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? उल्टी गिनती शुरू कर दे। अगर वक्त पे पैसे नहीं मिले ना तो मेरी नजर तेरी इस बच्ची पर है, समझी? चलो। अरे नहीं जी, नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए जी, उसने नंदू के नाम की धमकी दी, वो कुछ भी कर सकता है। आप कैसे भी करके ये उधार चुका दीजिए जी, कुछ भी करिए। मैं जल्दी ही उसकी एक किस्त चुका दूंगा, तुम चिंता मत करो, नंदू को कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। कर्ज में डूबे दोनों भाई पैसे जमा करने के लिए शहर में दिन रात मेहनत कर रहे थे। पढ़ने वाले थे हालात।
क्या होगा रवि? दीदी वो रवि कहाँ है? रवि जी तो 15-16 दिन से गांव के बाहर गए हैं। 15-16 दिन से? लेकिन माधुरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो बस ऐसे ही। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे तो कमाल ही हो गया देवर जी, बधाई हो आपको। बाबू जी अब मुंह मिठा कीजिए इसी बात पे। हाँ हाँ, लेकिन हम थोड़ा ही खाएंगे। नहीं बाबू जी पूरा खाइए ना। अरे नहीं नहीं, अब तो डबल हिस्सेदारी होगी बाबू जी। हम खा लेंगे। अरे किस बात की मुबारकबाद दे रही है भाभी ने? अरे माधुरी ये लो मिठाई खाओ और इनके तो कान पकड़ो तुम, शादी करके आए ये, अगले महीने दुल्हन भी घर लेकर आएंगे पता है। और तो और तुम विश्वास नहीं करोगी कि इनकी शादी किनसे हुई है, मेरी चचेरी बहन से। दुनिया कितनी छोटी है ना। ये लीजिए अब आप लोग एक दूसरे से बातें कीजिए, मुंह मीठा कराइए। हाँ मैं तब तक रमा मौसी से मिलकर आती हूँ, ठीक है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकते हो मतलब? अरे बीवी नहीं हो तुम मेरी, मैं क्या शादी ना करूं? अरे तुम जानती हो सीमा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। दहेज में गाड़ी दे रहे हैं मुझे, और तो और गांव में दुकान खोल के दे रहे हैं पूरे 10 लाख रुपए की। और मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जी नहीं सकती हूँ तुम्हारे बिना। ये बच्चों ऐसी बातें छोड़ो, हमारे बीच जो था वो सिर्फ एक दिल लगी थी, प्यार वैर नहीं था। और सच तो ये है तुम एक शादीशुदा औरत, और मैं शादीशुदा औरत से शादी नहीं कर सकती। का मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, वो सब प्यार नहीं था? ज्यादा सती सावित्री मत बनो, तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त के मैंने पैसे चुकाए हैं। वो तोहफे वो सब पैसे, इसी सब के लिए तुम मेरे पीछे पीछे घूमती थी ना। मेरे सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानता हूं तुम जैसी औरतों को मैं। अरे नंदू बेटा सोई नहीं अभी तक, सो जा बेटा। माँ रवि चाचा ना। अरे बेटा कितना बात करती है, सुबह स्कूल जाना है ना, अभी सो जा, चल अभी सो जा, ये ले तेरा दोस्त। हाँ तुम इन सब की चिंता मत करो, तुम जाओ।